संस्कारदानी जबलपुर और संत महंतो का पूरे संस्कारदानी और देश को यहाँ से आशीर्वाद। अभी इस समय हम भक्ति प्रभा यूट्यूब चैनल बाय अमृत पुंज के सौजान्य से महामंडलेश्वर श्री अखिलेश्वरानंद जी महाराज के पास जबलपुर में हैं, जो आज संस्कारदानी जबलपुर को अपना आशीर्वचन देंगे। महाराज जी, आपका मैं भक्ति प्रभा यूट्यूब चैनल बाय अमृत पुंज में हार्दिक हार्दिक स्वागत, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आपके श्री चरणों में वंदन करता हूँ। धन्यवाद। मुझे ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे श्री अंबर पुंज जी ने हमें यूट्यूब चैनल भक्ति प्रवाह बाई अमृत पुंज इसकी जानकारी दी और इस चैनल के उद्देश्य के बारे में भी उन्होंने मुझे संक्षेप में बताया और इसके साथ साथ इस चैनल के लिए संस्कार धानी के पूज्य संत महात्माओं का आशीर्वाद और इसकी सफलता के लिए उन्होंने हमसे आकांक्षा की है। सर्वप्रथम तो मैं इस भक्ति प्रवाह बाई अमृत पुंज इस चैनल के लिए अपना शुभाशीर्वाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और इसके साथ साथ अपनी सद्भावना अभिव्यक्त करता हूँ। और इसके साथ साथ मैंने इसके कई प्रकार के प्रोग्राम भी देखे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा और उद्देश्य भी स्पष्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है। संस्कार धानी के अनुरूप कोई ना कोई ऐसा चैनल अवश्य होना चाहिए जिसके माध्यम से संस्कार धानी में जो धार्मिक और संस्कार देने वाली या आध्यात्मिक प्रवाह की गतिविधियां चलती हैं उनकी जानकारी जन जन तक पहुंचे। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप वो प्रयास कर रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, श्रावण का पवित्र महीना है, भगवान भूत भावन की उपासना सर्वत्र हो रही है, मैं भगवान भूत भावन से प्रार्थना करूंगा कि इस चैनल को उनका भी आशीर्वाद मिले और आप उनके आशीर्वाद से प्रेरित होकर के जो अच्छी अच्छी बातें हम समाज के सामने संस्कार धानी के अनुरूप रखना चाहते हैं वो इस चैनल के माध्यम से लोगों के बीच में आएँ और ये चैनल इतना लोकप्रिय हो जाए कि इसे देखे बिना लोग चैन से ना बैठें। इसमें जो अच्छी अच्छी बातें आएंगी, संस्कार धानी है, नर्मदा का निरंतर प्रवाह हो रहा है और नर्मदा के निरंतर प्रवाह के साथ इस भक्ति चैनल के प्रवाह को भी उतने ही प्रवाह के साथ प्रवाहित करने का हम प्रयत्न करें ताकि लोगों में लगे जैसे नर्मदा के प्रति अवेयरनेस आए। नर्मदा संस्कार धानी की एक ऐसी संहिता है जिसके माध्यम से ही हमको संस्कार धानी का नाम मिला है और यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति संस्कारों से संस्कारित हो और संस्कारों की व्याख्या, संस्कारों का विश्लेषण, संस्कारों के बारे में जो सूक्ष्म से जानकारी मिलती है वो जो संस्कारवान संत महापुरुष से नर्मदा के तट पर तपश्चर्या चरण रत हैं और यहाँ अध्ययन स्वाध्याय कर रहे हैं, आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं, योग आसन आदि कर रहे हैं, ऐसे पूज्य संत महात्माओं को जब इस चैनल के माध्यम से आप प्रस्तुत करने लग जाएंगे तो अपनी अपनी अभिरुचि के अनुसार लोग उन्हें पसंद करने लग जाएंगे। क्योंकि आज हर घर में इस बात की चिंता है कि हमारी जो नवोदित पीढ़ी है, हमारे परिवार के जो नौनिहाल हैं, उनको संस्कार कहाँ से मिले और उस संस्कार देने के लिए कहीं रामायण की कथा प्रवचन हो रहे हैं, कहीं यहाँ पर यज्ञ आगादी के अनुष्ठान हो रहे हैं, नर्मदा आरती नित्य यहाँ होती है, नर्मदा महाआरती का प्रवाह लोगों के घर घर तक पहुँचे। इस संस्कार धानी में आने वाला कोई भी व्यक्ति बाहर से कहीं से भी आए तो घर में इस बात की चर्चा अवश्य चले कि हमारे जबलपुर को संस्कार धानी कहते हैं और यहाँ एक बहुत अच्छा काम होता है। हम लोग नर्मदा के बिना रह नहीं सकते, नर्मदा हमारी प्राण रेखा है, नर्मदा हमारी जीवनदायिनी है, नर्मदा हमारी संस्कार दात्री है। इसलिए रोज शाम को जो यहाँ पर हरिद्वार की हर की पौड़ी की तरह आरती होती है इसको वहाँ देखने के लिए घर में आए हुए मेहमान को लोग प्रेरित करें। तो मैं समझता हूँ कि अपने इस चैनल के माध्यम से इन बातों को जब रेखांकित आप करने लग जाएंगे तो चैनल तो लोकप्रिय होगा ही, लेकिन चैनल के माध्यम से जो सामग्री लोगों तक पहुँचेगी जिसको हम अमर पाथे कहते हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों को संस्कार मिले और हमारे बच्चे इस दिशा में आगे बढ़ें। तो मैं सबसे पहले तो आप सबके प्रति, दोनों भाइयों के प्रति मैं शुभकामना करता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं और चूंकि आप स्वयं संस्कार दानी से जुड़े हुए हैं, एक संस्कारित माता पिता की संतान होने के नाते आपके मन में भगवान ने ये भाव जगाया है, तो इस दृष्टि से
मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, अपनी सद्भावना भी अभिव्यक्त करता हूँ। और साथ साथ जैसे कि अभी श्रावण का महीना आज समापन का दिन है, आज रक्षाबंधन है, पूरा एक माह संस्कारधानी में भगवान शंकर की उपासना हुई है, रुद्राभिषेक हुए हैं और अनेक यहाँ पर धार्मिक स्थान हैं, शिवालय हैं, देवालय हैं, कृष्ण मंदिर हैं, राम मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, गणेश जी के मंदिर हैं, दुर्गा जी का मंदिर है, यहाँ त्रिपुर सुंदरी भगवती माता का मंदिर है और भगवान शंकर के तो बड़े बड़े विग्रह यहाँ पर विद्यमान हैं। उन सबको आपने लोगों तक दिखाया होगा और लोगों ने इस चैनल को पसंद किया होगा। मैं इस चैनल को देखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जो आज के बाद देखेगा और मुझे श्रवण कर रहा है, मैं उनसे कहूँगा कि इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, इसको अधिक से अधिक आप पसंद करिए और लोगों को बताइए कि अपने संस्कार दानी का यूट्यूब चैनल जो है भक्ति प्रवाह के नाम से चलता है, अपने बच्चों को उसके साथ अधिक से अधिक जोड़िए। कुछ ऐसे भी बहुत सारे कार्यक्रम होंगे धीरे धीरे बच्चों के, जैसे योग आसन में बच्चे जा रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं, कोई बढ़िया गीत गा रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता को रट रहे हैं, रटने के बाद कोई छोटी मोटी गोष्ठियों में बच्चे हिस्सा ले रहे हैं, ऐसी धार्मिक प्रतियोगिताएँ जानकारी से युक्त होंगी, उनको भी इस चैनल के माध्यम से हम प्रस्तुत करेंगे। अब एक बहुत अच्छा अवसर हमारे हाथ में आ रहा है और वह अवसर है भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव संस्कारधानी में अनेक संस्थाओं के द्वारा मनाया जाता है, विशेष रूप से जो गोरखपुर का मंदिर है, कृष्ण मंदिर है, उस कृष्ण मंदिर के माध्यम से, राम मंदिर के माध्यम से, और एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा यहाँ निकलती है और उस शोभा यात्रा में नरसिंह मंदिर का योगदान होता है, हमारे समझ में परिवार का योगदान होता है, अनेक प्रकार के यहाँ संत महात्माओं के जो संस्थान हैं उनको सबको जोड़ने का काम होता है। तो मैं समझता हूँ कि कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन भी बड़े धूमधाम के साथ इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत होगा। तो संस्कारधानी के लोगों को जो आज तक अनभिज्ञ हैं, क्योंकि हम ऐसा मान के नहीं चलते कि संस्कारधानी का प्रत्येक घर संस्कारित है, परंतु हमें अपने संस्कार की संहिता को प्रत्येक द्वार तक ले जाना है इस भक्ति प्रवाह के माध्यम से। तो इसकी भी जानकारी लोगों को हो, सुंदर सुंदर झांकियां बच्चों को दिखाई जाए, नन्हे नन्हे बच्चों को राधा बनाया जाए, कृष्ण बनाया जाए और ऐसा स्वरूप बना करके जब हम संस्कारधानी को संस्कारधानी के अनुरूप ढालने का प्रयत्न करेंगे और इस चैनल के माध्यम से जब हम प्रस्तुत करेंगे तो चैनल तो लोकप्रिय अपने आप होगा ही। भगवान कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ, वो द्वापर के महानायक थे और द्वापर के महानायक वो जन्म से ही थे, उनने अपने महानायकत्व का परिचय अपने जन्म से ही दिया। जन्म के पहले अपने माता पिता को कोई पुत्र पहले अपना स्वरूप से परिचय कराता है, ऐसा बहुत कम होता है, पुत्र जन्म लेने के बाद ही माता पिता की गोद में आता है। लेकिन यहाँ तो बड़ा आश्चर्य है कि भगवान कृष्ण ने पहले ही अपने माता पिता को जन्म दिया। राम के अवतार में भी ये कथा आती है कि कौशल्या के सामने राम पहले प्रकट हुए, जब माता ने अनुरोध किया कि प्रभु मैं आपकी माँ बनूँ, ये गौरव तो आप मुझे प्रदान कर रहे हैं, लेकिन इस रूप में आप प्रकट होंगे तो कौन मानेगा कि मैं आपकी माँ हूँ, इसलिए प्रभु आप नन्हे से बालक बनिए। भगवान राम नन्हे से बालक बन गए। भगवान कृष्ण ने भी अवतार लेने के पहले अपने जननी जनक को उन्होंने जन्म दर्शन दिया और कहा चिंता मत करो, मैं अब आ रहा हूँ आपका पुत्र बनके, और कंस के कारागार में उनका जन्म हुआ, वहाँ से उनका महानायकत्व सिद्ध होता है। उन्होंने कहा देखो आप बहुत चिंतित हैं कि कंस मेरे अन्य भाइयों का तो वध कर चुका है, वो मेरा भी वध न कर दे, ये चिंता आपकी है, लेकिन आप चिंता मत करो, मुझे मथुरा वहाँ ले जाकर के छोड़ दो, नंद बाबा के यहाँ मैं सुरक्षित रहूँगा। ये उनका महानायकत्व था, ये उनकी भगवत्ता थी, भगवान की भगवत्ता। और इस प्रकार से भगवान कृष्ण की बाल लीला प्रारंभ हुई जन्म के बाद। ये बड़ी मन को आकर्षित करती है, मन को बड़ा निर्मल करती हैं। तो ऐसे कृष्ण जन्म का उत्सव अब भारतवर्ष में ही होता हो ऐसा नहीं, जब कृष्णम वंदे जगतगुरु हम कहते हैं तो कृष्ण केवल भारत की भौगोलिक सीमाओं में जन्मता हुआ थोड़ी है, वो तो द्वापर का महानायक, वो तो सारे संसार का महानायक बन गया। और इतना बड़ा महाभारत जैसा भीषण युद्ध हुआ और उस भीषण युद्ध में नैतिकता का प्रवाह, आध्यात्मिकता का प्रवाह और धर्म का प्रवाह उन्होंने अर्जुन के सामने रखते हुए मानो अर्जुन को निमित्त बना करके जन जन को दिया। तो ऐसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पवित्र पावन अवसर पर हम सब लोग संस्कार धारी के अनेक अपनी अपनी रुचि के अपने अपने मोहल्ले में मंदिर हैं, उन मंदिरों में उत्सव होता है, उसमें हम पहुँचें। क्योंकि आज सबसे बड़ी चिंता अपनी नवोदित पीढ़ी की है
नवोदित पीढ़ी जैसे ग्लोबलाइजेशन के युग में या सैटेलाइट के युग में जुड़ती जा रही है, तो दुनिया का पश्चिम का ही उनके मन में प्रवेश न हो, हमारे देश का भी उनके अंतःकरण में प्रवेश होना चाहिए। और यहाँ तक कि यहाँ जो भक्ति प्रवाह के माध्यम से जो बातें जाएंगी वो दुनिया में पहुँचेंगी, और दुनिया के लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि भारत जगत गुरु है, भारत धर्म गुरु है, धर्म गुरु की परंपरा, जगत गुरु की परंपरा आज भी भारतवर्ष में है। तो मैं भक्ति प्रवाह के इस चैनल को अपना आशीर्वाद देता हूँ और संस्कारवाणी के संतों से भी अनुरोध करता हूँ कि ये दोनों बालक बड़े संस्कारित हैं, अमृत भी और भक्ति प्रवाह को मुखरित करने में अपना योगदान हो, क्योंकि हमारी आपकी कमजोरी यही कि हम तो संस्कारित भारत देखना चाहते हैं, संस्कारित देश देखना चाहते हैं और संस्कारित परिवार देखना चाहते हैं। संस्कारित परिवार होगा तो हमारा सनातन मजबूत होगा, हमारी हिंदू जीवन की शैली मजबूत होगी। तो संतों से भी अनुरोध है कि वो अपना आशीर्वाद दें और आशीर्वाद दे करके इस प्रवाह को, भक्ति प्रवाह को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, मंगल कामना करता हूँ, धन्यवाद।